वीडियो को स्टॉप करके इस पंपलेट को गौर से पढ़ें। वालेकुम, आज मैं इन दोनों का सिस्टम कैसे काम करते बताने जा रहा हूँ। ये सिस्टम जो है ना सबसे टॉप वाले टंकी में लगता है। टंकी के अंदर ये दोनों सेंसर जो है ना, एक ऊपर लगता है एक नीचे लगता है। इधर से नीचे पानी आने के बाद मोटर को चला जाता है और इधर इधर पहुँचने के बाद बंद कर देता है। टंकी फुल होने के बाद बंद कर देता है। और ये नीचे वाले टैंक में लगता है, जैसे ग्राउंड वाले टैंक में अगर टैंक खाली है तो खाली मोटर नहीं चलेगा, ये बंद कर देगा। ये सेंसर जो है ना उसको भी बंद कर देगा। ये जो है ना ये सक्शन पंप में लगता है। इन दोनों की वारंटी 1 साल की है। 1 साल के अंदर अगर कोई ख़राबी होती है तो हम बना के देते हैं, डिवाइस को चेंज करके दे देते हैं। आप लोग जो है ना फ़ोन नंबर पर मैं कॉल या व्हाट्सएप पर कॉल करें ताकि मैं डायरेक्ट आपको जो है ना डिटेल समझा सकूं। कमेंट में या मैसेज में मैं नहीं समझा सकता क्योंकि मैं काम कर रहा होता हूं। इस वीडियो के बाद इस पंप की भी वीडियो है, वो भी ज़रा गौर से देख लें। इस सिस्टम को हम खुद लगा के देते हैं, दोनों सिस्टम को हम खुद लगा के देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बताने जा रहा हूँ ये मोटर कैसे काम करता है। ये देखें, अभी वाटर पानी नहीं आ रहा है, ये वाटर इनकमिंग का लाइट नहीं चल रहा है, रेड लाइट। सही है, अभी ये 2 से 2.5 मिनट तक चलता है फिर बंद हो जाता है। तो देखिए, वो 2 सेंसर है ना, ये सेंस करके बता देते हैं पानी नहीं आ रहा, तो 2 मिनट के अंदर ये बंद कर देता है। इस पाइप का काम है, पानी आने के बाद, पानी आने से पहले हवा आता है उसके ज़रिए ये चला देता है, हवा आते ही मोटर को चला देता है।